तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बोटल पाम के पेड़ के बारे में बात करने वाले हैं। इनका मतलब कैसे देख रेख करनी चाहिए और कितने साल के अंदर, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो इतने बड़े पेड़ अगर आपके नहीं हुए तो कितने साल लगेंगे इतने बड़े पेड़ होने में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात अपन ये कर लेते हैं कि ये जो पेड़ है ये तकरीबन हमारे इधर लगाए हुए इनको 25 साल हो गए हैं और इसकी हाइट आप देख ही सकते हो, चारों तरफ लगा रखे हमने दोस्तों ये सभी वाले पेड़। बोटल पाम के जितने भी पेड़ है ये चारों तरफ लगवा रखे हैं और इनको लगाए हुए हमारे को 25 साल हो गए। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ये बता देता हूँ मैं आपको कि इनके जो बीच की जो हमने दूरी रख रखी है वो 15-15, 10-10 फीट के ऊपर रख रखी है। मतलब इससे अगर आप पास में लगाओगे पेड़ को, अगर ये देख लीजिए दोस्तों इन दोनों के बीच की जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये वाला ये गैप हमने दोस्तों 15-15 फीट रख रखा। अगर आप इससे कम का गैप रखोगे तो नीचे जो इसकी रूट होती है, वो जो रूट दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो रूट होती है ये वाली, यहाँ पर इसकी रूट होती है नीचे की तरफ, ये दिख रही है आपको छोटी छोटी सी, इसमें कम दिख रही है दोस्तों। अगले वाले पेड़ में दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें देख लीजिए दोस्तों ये सभी जो रूट होती है ये मतलब फैलाव ज़्यादा करती है, मतलब कि जगह का जो कवर ज़्यादा करती है तो दोनों पेड़ की आपस में मिल जाती है, तो फिर ये जो पेड़ है वो जो कमज़ोर पड़ जाता है और इतना चलने में ग्रो करने में बहुत टाइम लगा देता है। और दोस्तों टाइम क्या लगाता है दोस्तों, ये बिल्कुल भी ग्रो ही नहीं हो पाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि बीच की जो दूरी है वो आपको ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा रखने से आपके मतलब पेड़ जो फटाफट ग्रो कर जाएगा दोस्तों। और दोस्तों और इनकी एक बात और बता देता हूँ मैं कि ये 25 साल पुराने पेड़ हो चुके हैं और इनकी हाइट वो है अभी 25 फीट के लमसम या 20-25 के तकरीबन इनकी हाइट भी हो चुकी है, आपको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा। वैसे ये देख लीजिए दोस्तों इन सब की हाइट। और दोस्तों एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसे पेड़ लगवाना चाहते हो तो आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप जो सिंपल बोटल पाम के ट्रीज हैं वो वाले ही लगवाना, अदर कोई अलग अबार बहुत सारे अलग पेड़ भी आ रहे हैं तो वो मत लगवा लेना दोस्तों, क्योंकि वो जल्दी से ग्रो नहीं करते हैं और ख़राब हो जाते हैं। और एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो इसकी जो पंख जो निकलते हैं दोस्तों वो साल में केवल 4 बार निकलते हैं, 3 महीने के अंदर एक पंख निकलता है इसके, मतलब साल में 4 बार पंख इसके निकल जाते हैं। और जो इसके जो छिलके होते हैं वो भी साल में 4 ही बार नीचे गिरते हैं। जैसे गिरते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ, इधर वाले में हमारे छिलके भी गिर रहे हैं। वैसे एक ये वाला छिलका देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है कि हमारे कल बारिश का मौसम हो रहा था और बारिश भी आ चुकी थी तो वो हवा के कारण ये मतलब लटक के टूट गया है ये वाला छिलका। बाकी इसके साल में 4 बार आप इनके इस वाले में जैसे ये छिलका निकल रहा है उस प्रकार से ये निकल जाता है। और अगर इनके नीचे जो तना होता है ना वो बहुत ही प्यारा होता है दोस्तों, क्योंकि अगर इसके जैसे ही छिलके निकलते जाते हैं वो इनका अलग ही आकार ले लेते हैं। जैसे आप, मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आपके गार्डन में या घर में इंडोर आउटडोर कहीं पर भी आप मतलब ये प्लांट लगवाना चाहते हो तो आप सबसे बेस्ट है कि भाई ये अपने जो वोटल फार्म के ट्रीज़ है यही लगवाना दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अच्छे लगते हैं वैसे। और इनके जो मतलब छिलकों का बीच का जो गैप होता है वो 7 से 8 इंची का इनके दोनों बीचों के गैप होता है, एक तो यहाँ होता है दोस्तों और एक ये वाला है। इनका जो बीच वाला ये गैप दिख रहा है ये आपको 7 से 8 इंच के बीच में मिल जाएगा दोस्तों। और ये साल में 4 बार मतलब कि ये छिलके दिखा देता हूँ मैं आपको, 4 ये वाले दोस्तों, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, ये चारों जो छिलके हैं ना ये एक साल में निकलते हैं बस, एक साल के अलावा ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, एक साल में 4 छिलके दे देता है ये दोस्तों। और अब मैं आपको एक छोटा पेड़ और दिखा देता हूँ इसी का, जो मतलब हमने 6 साल हो गए उनको लगा के रख रखा है वैसे, पर अभी वो मतलब छोटा सा ही है तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो मैं अब आपको पेड़ दिखाने जा रहा हूँ वो मैंने 6 साल पहले लगवा रखा था दोस्तों। ये वाला जो पेड़ है दोस्तों, बोटल पाम का जो पेड़ है ये वाला, ये मैंने 6 साल पहले लगाया था और अभी तक इसकी हाइट देख सकते हो आप, वो अभी तक इतनी से ही हुई है, मतलब कि ज़्यादा बड़ी नहीं हो पा रही है और अब ये धीरे धीरे वैसे ग्रो करने लग जाया है। इसके बीच में से एक दो पत्ती भी निकल चुकी है दोस्तों। और जो दोस्तों आपने 6 साल पहले जो पेड़ लगाया रखा था, मतलब कि हमने 25 साल पहले पेड़ लगाया है, वो पेड़ आपको इतना बड़ा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।